बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ये साल कुछ ज्यादा खास नहीं बीत रहा, क्योंकि हिंदी सिनेमा बॉयकॉट का सामना कर रही है और कई फिल्में बॉलीवुड की भेंट चढ़कर फ्लॉप हो रही है। लेकिन इन सब के बीच कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर की हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ लोगों को एंटरटेन करने के लिए आ रही है। ये फिल्म 4 नवंबर को पीवीआर थिएटर में रिलीज होगी और उससे पहले मेकर्स ने इस मूवी का टीजर लॉन्च कर दिया जो कि काफी मजेदार है। इसके टीजर को देखकर दर से ज्यादा हंसी आएगी क्योंकि टीजर में कैटरीना एक अच्छी भूतनी बनी है जो सबकी हालत खराब कर दी है। इस मूवी का टीजर 2:49 का है जिसकी शुरुआत खौफनाक और मजेदार चेतावनी के साथ शुरू होती है और एक डायलॉग आता है कि इस फिल्म में कुछ ऐसी शक्तियों का जिक्र किया गया है लेकिन उनसे डरना नहीं है क्योंकि इनका सच से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद सिद्धार्थ और ईशान की एंट्री होती है जिन्हें भूत दिखते हैं और ये भूत पकड़ने के मिशन में निकल पड़ते हैं और इसी बीच इनकी मुलाकात कैटरीना कैफ से होती है जो एक भूतनी होती है और ये भूतनी इन दोनों का जीना मुश्किल कर देती है। टीजर में आगे भूतनी कैटरीना सिद्धार्थ और ईशान के सामने एक बिजनेस डील रखती है और फिर तीनों निकल पड़ते हैं भूत पकड़ने। हालांकि कैटरीना कैफ ये डील अपने मिशन को पूरा करने के लिए करती है। फिर इसके बाद एंट्री होती है जैकी श्रॉफ की जिसका सामना सिद्धार्थ और ईशान करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है वो जानने के लिए आप इसको थिएटर में देख सकते हो। ये फिल्म एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है और इस फिल्म को गुरमीत सिंह द्वारा प्रेजेंटेड किया जा रहा है। और बात करते हैं इस फिल्म के शूटिंग के बारे में तो ये फिल्म 2020 में बननी स्टार्ट हो गई थी और इसके प्रोड्यूसर फरहान इस फिल्म को 15 जुलाई 2020 को रिलीज करना चाहते थे लेकिन किसी रीजन कर नहीं पाए और फिर बाद में डिसाइड किया कि इसको 4 नवंबर को रिलीज करना है। तो बस 4 नवंबर का वेट करो।